तो हे गाइस, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इस महीने यानी कि अप्रैल 2024 में कौन कौन से कुछ चाइनीज ड्रामा आने वाला है, वो भी हिंदी डब में। लेकिन उस वक्त तक ज्यादा अपडेट नहीं था, जितना के ड्रामा सबका अपडेट मिला था मुझे सब डाल दिया। लेकिन अभी के टाइम पे और कुछ ज्यादा ही कोरियन ड्रामा चाइनीज ड्रामा सबके फिर से नया का अपडेट सब आ चुका है कि ये ड्रामा सब इस महीने में आने वाला है। तो इसी वीडियो में बात करेंगे कि अप्रैल में कौन कौन से कोरियन चाइनीज ड्रामा सब आने वाला है, वो सबका पार्ट टू। तो गाइस आज की वीडियो बिना बकबक के शुरू करते हैं और जानिए इस महीने कौन कौन से कोरियन ड्रामा और आने वाला है। और इसका पार्ट वन देखना चाहते हो तो मैं वीडियो को एंडिंग में डाल दूंगा, यहाँ पर से आप क्लिक करके देख सकते हो। तो गाइस लेट्स बिगिन। पहला जो ड्रामा था उसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, जो कि 2018 का एक मिस्ट्री थ्रिलर साइकोलॉजी टाइप की के ड्रामा है। इस ड्रामा को आईएमडीबी ने 7.8 आउट ऑफ 10 की कमाल की रेटिंग दी है, जिसमें टोटल एपिसोड 32 है, जो कि पर एपिसोड देखने लिए आपको 30 मिनट देख सकते हैं। ये ड्रामा प्लेफ्लिक्स पे आ रहा है, तो हो सकता है कि इसका एपिसोड 16 हो जाए और आवर जो पर एपिसोड 60 मिनट की हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और ये ड्रामा आपको 19 अप्रैल को प्लेफ्लिक्स पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। अगला जो के ड्रामा उसका नाम है डिवोर्स लॉयर इन लव, जो की 2015 का एक कॉमेडी रोमांस लीगल पर बेस्ट के ड्रामा है। जिस ड्रामा को आईएमडीबी ने 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, जिसमें टोटल एपिसोड 18 है। अभी के टाइम पे ड्रामा अतरंगी एपो प्रीमियर हो रहा है विद 6 एपिसोड, वीकली बेस्ट पे इसका 5 एपिसोड करके आ जाएगा, टोटल एपिसोड 18 है। तो गाइस जाइए और अतरंगी एप पर अभी के टाइम पर ये ड्रामा देखिए। अगला जो के ड्रामा वो है गुड बाय और, जो की 2024 का अपकमिंग नेटफ्लिक्स के ड्रामा है, जो की एक थ्रिलर साइंस फिक्शन मिस्ट्री साइकोलॉजी पर बेस्ट है, जिसमें टोटल एपिसोड 2 है, जो की आपको 26 अप्रैल को हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिल जाएगा। अगला जो भी एक के ड्रामा है जिसका नाम है द विलेन ऑफ रोमांस, जो कि 2023 का एक रोमांस पर बेस्ट के ड्रामा है, जिसको आईएमडीबी में 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, जिसमें आपको टोटल एपिसोड 10 देखने को मिलेगी, जो कि आपको पर एपिसोड देखने के लिए 45 मिनट देखने पड़ेंगे, यानी कि आपको प्लेफ्लिक्स पर बहुत जल्दी हिंदी डब में देखने को मिलेंगे, यानी कि इसी महीने में देखने को मिल जाएंगे। अगला जो के ड्रामा उसका नाम है अबाउट टाइम, जो कि 2018 का एक रोमांस फैंटास्टिक टाइम ट्रेवल पर बेस्ट के ड्रामा है, जिसको आईएमडीबी में 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी, जिसमें टोटल एपिसोड 16 है, जो कि आपको पर एपिसोड देखने के लिए 1 घंटा 10 मिनट देने पड़ेंगे। ये ड्रामा आपको एमएक्स प्लेयर पर या अमेज़न नेटिव पर देखने को मिल जाएंगे हिंदी डब में इसी अप्रैल में। अगला जो के ड्रामा है उसका नाम है द टाइम वी वर नॉट इन लव, जो कि 2015 का एक रोमांस कॉमेडी यूथ फॉर बेस्ट के ड्रामा है, जिसको आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी, जिसमें टोटल एपिसोड 16 है, जो कि आपको पर एपिसोड देखने के लिए 1 घंटा 4 मिनट देने पड़ेंगे। ये भी ड्रामा आपको अप्रैल में ही देखने को मिल जाएगा अमेज़न नेटिव पर, वो भी हिंदी डब में। अगला जो है एक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है द गर्ल हू सी स्मेल्स, जो 2023 का एक कॉमेडी रोमांस यूथ फॉर बेस्ट चाइनीज ड्रामा है, जिसमें टोटल एपिसोड को देखने को मिलेगी 24, जो कि आपको पर एपिसोड देखने के लिए 35 मिनट देने पड़ेंगे। ये भी ड्रामा आपको इसी अप्रैल में बहुत जल्दी अमेज़न टीवी पर देखने को मिल जाएंगे। इस सब चाइनीज के ड्रामा सबकी डेट तो अनाउंस नहीं हुआ, जैसे ही डेट अनाउंस होगा मैं बता दूंगा। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पड़ेंगे, यहाँ पर मैं बहुत जल्दी अपडेट दे देता हूँ, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ पर जाइए और ज्वाइन हो जाइए। और लास्ट में एक चाइनीज ड्रामा है जो कि हिंदी डब में यूट्यूब पर भी प्रीमियर हो रहा है, जिसका नाम है एवी डस्ट और स्नो स्टॉर्म ऑफ लव, जो कि आपको ड्रामा सेंटर हिंदी नाम के यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब में प्रीमियर हो रहा है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, मिलता है फिर से ऐसे कमाल की वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे कमाल की वीडियो के सबके लिए। और आपको चैनल पर बहुत ज्यादा कमाल की वीडियो सब मिल जाएंगे, उसे भी चेकआउट करना। और अभी डिस्प्ले पर डिस्प्ले हो रहा है इसका पार्ट 1, वो भी जरूर एक बार देखना। तो गाइस फिर से मिलते हैं, बाय बाय।